नमस्कार सिटी पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार जारी है। आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी डेरी ऑन सोन में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया। जी हाँ, आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने लालटेन पर भी निशाना साधा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालटेन के जमाना गई, मतलब भोजपुरी लहजे में उन्होंने कहा है। आपको बता दें और भी भोजपुरी लहजे में क्या कुछ कहा है। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में कहा है कि भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। तो भोजपुरी भाषा में उन्होंने काफी अच्छे शब्द कहे हैं बिहार के लिए। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को सराहा भी है इस महामारी में एकजुटता के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, खुद सुनिए। पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी आरके सिंह जी, बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भाई मुकेश साहनी जी, भाजपा सांसद भाई छेदी पासवान जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, हाल ही में बिहार ने अपने दो सपूतों को खोया है जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी प्रकार से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया, वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, कर रहा है बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है उन्हें आस पास भी नहीं फटकने देंगे। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए ले, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके देले। पुलवामा हमले में भी
बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। भाई और बहनों, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना इसी को कहते हैं। बिहार के लोग भूल नहीं सकते वो दिन जब सूरज ढलते का मतलब होता था सब कुछ बंद हो जाना, ठप पड़ जाना। आज बिजली है, सड़कें हैं, लाइटें हैं और सबसे बड़ी बात वो माहौल है जिसमें राज्य का सामान्य नागरिक बिना डरे रह सकता है, बिना डरे जी सकता है। वो दिन जब सरकार चलाने वालों की निगरानी में दिन दहाड़े डकैती होती थी, हत्याएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, वो दिन जब घर की बेटियां घर से निकलती थी तो जब तक वापस ना आ जाए माता पिता की सांस अटकी रहती थी। जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। साथियों, 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा तेजी से काम हुआ है। तो सुना आपने कि भोजपुरी भाषा में उन्होंने स्वागत भी किया है, भोजपुरी भाषा में जनता को संबोधित किया है, साथ ही लालटेन पर निशाना भी साधा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।